थैंक यू थैंक यू. एक बहुत ही अच्छा शानदार फोटो शूट चल रहा है जी. वी जस्ट वांट टू नो किस तरह का ये फोटो शूट होगा और किस पर्पस के लिए. जी एज अ मॉडल you know, I always keep doing photo shoots every 6 months. हर छः महीने में हम अपना पोर्टफोलियो रिफ्रेश करते हैं बिकॉज आप यू आर चेंजिंग एवरी 6 months. आपके लुक्स बदल रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी बदल रही है. सो देयर इज अ न्यू यू. सो इट्स अ नॉर्म हर छः महीने में हम पोर्टफोलियो अलग अलग फोटोग्राफर्स के साथ शूट करते हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फोटो शूट एंड आई हैव बीन वेरी लकी दैट मुझे मौका मिला है दुनिया के बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स के साथ शूट करने का, इंडिया के टॉप फोटोग्राफर्स के साथ शूट करने का, राइट फ्रॉम अतुल टू दबू टू रफीक सैयद टू प्रसाद नायक टू सुरेश नटराजन टू सो मैनी. सो वेरी वेरी आई फील आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस. उसके बाद आइफा के बारे में ये कहना चाहूँगी कि इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू होस्ट आइफा द ग्रीन कार्पेट एंड आई मेट सो मैनी of our fraternity people there and it was such a successful event. खास करके जो सारे वहाँ के locals थे वो कितने excited थे कि Bollywood का कोई इतना amazing event वहाँ पे हो रहा है. So लोग दूर दूर से travel करके वो event actually 6 घंटे लंबे खींच गया. तो सारे लोग and you know 1 घंटा travel करके 6 घंटे show में बैठकर 1 घंटा वापस आना. सो 8 घंटे का वो जो पूरा ये था, लोगों ने इतने हंसी खुशी और प्यार के साथ उस इवेंट को विटनेस किया दैट इट वाज समथिंग टू सी यू नो. सो या इट वाज अमेजिंग टू बी एसोसिएटेड विद आइफा. आइफा का जो ये फेस्टिवल था जी, एंथुसियाज्म की वजह से अपने आप तो हुआ ही जी, लेकिन एक एक्ट की वजह से भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, नेपोटिज्म रॉक्स. इस पर आप क्या कहेंगे? यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन सो वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट दिस इशू? You know, I personally feel nepotism सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, हर जगह है. बहुत सारे इंडस्ट्रीज में है जहाँ पे रेफरेंस के थ्रू, रिकमेंडेशन के थ्रू या शायद फैमिली बैकग्राउंड के वजह से आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. देयर इज नो डिनाइंग दैट फैक्ट. I do agree कि अगर आप एक फिल्म फैमिली से आते हैं तो आपके लिए डोर्स ज़्यादा खुले रहते हैं. थोड़ा आसान होता है आपके लिए, थोड़ा नहीं काफ़ी आसान होता है. एटलीस्ट वो फर्स्ट ब्रेक मिलना, उसके बाद चलना ना चलना और सक्सेस मिलना ना मिलना इज़ अनदर बॉल गेम. बट वो पहली चीज़ को क्रैक करना डेफिनेटली ईजी हो जाता है इफ़ यू आर फ्रॉम अ फिल्म फैमिली. आई थिंक आई वुडंट डिनाई दैट. बट बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी हैं बॉलीवुड में जो बिना किसी बैकिंग के खड़े हुए हैं, जैसे कि शाहरुख खान सबसे बड़े एग्जांपल हैं. कंगना खुद बहुत बड़ी एग्जांपल है कि शी इज़ मेड इट ऑन हर ओन. यू नो ऑफ कोर्स देयर वुड बी पीपल ऑलवेज टू पुश यू फर्दर, टू हेल्प यू, टू गाइड यू, बट प्रीटी मच सो आई वुड बिलीव कि ये भी है और वो भी है. तो नेपोटिज्म भी है बट बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लोग खुद अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, विच ऑल्सो प्रूव्स कि अगर आपका नसीब बुलंद हो और आप में टैलेंट हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता. ओके, इस तरह इतने बड़े स्टेज पे इस तरह से नेपोटिज्म को लेके मजाक उड़ाना, फिर बाद में उस बात का एहसास करना, फिर उसकी माफी मांगना, हाउ जस्टिफाई यू थिंक कि फर्स्ट जैसे यू नो नेपोटिज्म रॉक्स, देन दे कम ऑन ट्विटर. You know, they say ki this is sorry, apologetic, can be a sorry for it. Do you think it is justified? You know, ek baar aap jaate hain, aap kisi ka mazak udate hain, with people from, or the people from your industry, phir aapko lagta hai ki humne galti kar di, phir aap usko theek karte hain. How justified is? Maybe at the moment, unse wo, like they said, ki mazak ho gaya. But, you know, in a time like this, जहाँ आपको बहुत careful होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, because social media इतना rampant है, इतना strong है आज के time पे, and these are also very responsible people. मतलब ये जो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो actually बहुत intelligent लोग हैं. So I believe मजाक में कह रहे हैं, but I think at a time like this, कोई चीज़ शायद मजाक में नहीं ली जा सकती. I think one has to be so guarded and careful about what you're saying.
बिकॉज़ कोई भी चीज जाके कब ट्विस्ट हो जाए यू डोंट नो यू नो. सो आई थिंक मुझसे भी ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ चीज कही है वो कुछ और चीज बनकर इंटरनेट पे आई है और मैंने खुद जब रीड किया मैंने सोचा कि मैंने ऐसा एक्चुअली नहीं बोला. बट आई थिंक इट्स द टाइम्स आर सच दैट वी नीड टू बी मेबी एक्स्ट्रा 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 केयरफुल अबाउट व्हाट वी आर सेइंग. ओके यू नीड अ पावर ब्लैक शेड. या और भी हम जानते हैं कि आपके और भी लाइनअप से सॉन्ग की फिल्में भी कर रहे हैं जी. तो लेट अस नो अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. जी सो आई हैव डन अ साउथ फिल्म कॉल्ड किंग लायर विद द मलयालम सुपरस्टार दिलीप एंड इट वाज सच एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. द फिल्म डिड वेरी वेल. द फिल्म वाज अ सुपर हिट. एंड उसके बाद अराउंड द सेम टाइम आई हैड साइंड अ फिल्म कॉल्ड बाबा ब्लैक शीप जिसमें जिसको विश्वास पांड्या ने डायरेक्ट की है. एंड देयर इज अनुपम खेर इन इट. देयर इज मनीष पॉल. देयर इज मंजरी. देयर इज केके मेनन. देयर इज अनु कपूर. सो इट्स अ कॉमेडी थ्रिलर एंड इट्स an ensemble cast and it should release in a few months and I'm very excited about that. And I don't know if you all have watched Inside Edge, the web series. I'm a part of that. So it was amazing to shoot that series and to be part of such an amazing show produced by such a by Excel, you know, which I feel it makes amazing content. So I'm very thankful that I got these opportunities. Thank you so much and wish you all the best. Thank you. So sweet of you. Thank you.